तो हमने कई साहब ने कि हमें रात भर एक लेट लो आधार कार्ड हमारा ले, तो वो नहीं हम नहीं रुकने, तो हम अपना बिस्तर जो है वो आप उठा लीजिए, हम आपको रैन बसेरे लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आराम कीजिए। अब दोस्तों मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूं और रात के तकरीबन 10:30 से 11 बजे का समय है। मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर जो तीमारदार हैं वो तीमारदार यहां पर बैठे हुए हैं। इनकी रात इसी तरह से कटने वाली है क्योंकि जो इनके मरीज हैं यहाँ पर भर्ती हैं, रात को रुकने की हर अस्पताल के अंदर सुविधा होती है मगर इनके लिए शायद कोई सुविधा बुलंदशहर में उपलब्ध नहीं है। कोई पेशेंट है भैया आपका? क्या नाम है आपका? रवि कुमार। कहाँ से हैं? उदयना से। आपकी वाइफ है कौन है? नहीं, मेरे भाई की वाइफ है। भाई की घरवाली है जी। तो रात को रुकने का कोई सिस्टम है? नहीं, रुकने का सिस्टम पीछे की साइड में, मगर जो इमरजेंसी के लिए रुके पड़े हैं, कोई परेशानी बन जाए इस मारे बैठे पड़े हैं। अच्छा जी, उसको देखने के लिए डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। रात को रुकने का सिस्टम है एक, और यहाँ पर भैया हैं, ये आ जाइए। क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद कहाँ से हैं? मैं टोड़े नंगला से। आपका भी पेशेंट है यहाँ पर? जी। तो रात ऐसे ही बैठ के गुजारेंगे? हाँ, ऐसे बैठ के गुजारते हैं। मैं तो पहले भी आया गर्मियों में, उसमें नीचे बैठ के गुजारी थी। अच्छा, तो रात को रुकने का यहाँ पर सिस्टम्स हैं यहाँ पे, और एक गद्दा भी मिलता है और ओढ़ने के लिए कंबल मिलता है। कंबल घर से लेकर आए होंगे? हाँ, कंबल मेरा घर से लाया हूँ। पैसा कभी देखा नहीं यहाँ पे। हाँ, न मैं पहले भी आया, मैंने तो कभी देखा नहीं, कभी ऐसे रैन बसेरा नहीं देखा ना मैंने तो कभी। हाँ बिल्कुल, लॉक लगा हुआ है, रैन बसेरे में ताला लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, यहाँ देखिए बिस्तरा लगा हुआ है, आपके साथ हैं। रात को रुकने की सुविधा है वहाँ? रुक जाइए। नहीं नहीं है? नहीं है सुविधा आपको? असल में यहाँ जो स्टाफ है वो बताने वाला नहीं है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर पेशेंट हैं, मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा इधर भी चलते हैं। पूरी रात इसी तरह से गुजरती है इन लोगों की, अपने घर से कंबल, रजाई, गद्दा या जो भी सामान है रात को ठंड से बचने के लिए, वो अपने घर से ही लेकर चलना होगा और वो इस तरह से रात यहाँ पर गुजारेंगे सारी रात। जो तीमारदार हैं उनके लिए यही इस तरह से जगह है। इनके अंदर की अगर बात करते हैं तो इनके जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो जो अंदर भर्ती हैं। तो सर आपको मालूम है यहाँ पर रुकने का भी सिस्टम है? नहीं पता आपको? अच्छा, आपका पेशेंट भर्ती है यहाँ पे? अभी अभी आज ही लेके हैं। आज ही लेकर आए हैं, तो रात तो यहीं पे गुजारने वाले हैं। अभी देखो क्या होता है, पहले पेशेंट का पता चले। हाँ, अभी 2 घंटे 2 घंटे हुए हैं बस। अच्छा अच्छा, नहीं अगर रात को पेशेंट यहाँ रहता है तो यहीं रहेंगे ना रात को? तो रहेंगे हैं। हाँ, रैन बसेरे का पता नहीं है। खैर, बिस्तर लग चुके हैं और चलते हैं अस्पताल में। देखिए ये रैन बसेरा है और रैन बसेरे के बाहर कुछ लोग सोए हुए हैं, खुले में इस तरह से लोग सोकर रात गुजारते हैं। ये जिला अस्पताल में रैन बसेरा है मगर इसमें लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बुलंदशहर की जिला अस्पताल की, इस तरह से इसको लॉक करके रखा जाता है। भैया सो गए क्या? सो गए? तो भैया कोई पेशेंट है कोई आपके यहाँ? आज हमारा लड़का साहब छुट्टी भाई रात में, तो हमारा यहाँ गाड़ी परी भी आज 14 दिन में यहाँ पे, तो हमने कई साहब ने कि हमें रात भर एक लेट लो आधार कार्ड हमारा ले, तो वो नहीं हम नहीं रुकने, तो हमें तो उसके लिए रैन बसेरा कालेआम पर लगा है, आप वहाँ लेट जाते हैं? कालेआम पर हमने बोलो कोई नहीं, यहाँ पर रैन बसेरा हमको है ही नहीं साहब। नहीं, कालेआम पर आपको बिस्तर भी मिलेगा और कालेआम के चौराहे पर। साहब हमको जानकारी ना, हम बाहर के रहने वाले हैं जिला बरेली के। किस चीज़ से हैं आप? आप हमारी गाड़ी होता है बच्चों की, हमारी ट्रांसफर हो शाम शाम रात शाम, तो बच्चों को भेज दिया हमने बरेली अस्पताल में। कोई नहीं, कोई गाड़ी है आपके पास? हमारी गाड़ी ख़राब होगी, वो पर गई अरके बच्चों वो अरके। चलिए खैर, आप कोई बात नहीं, लेटने दो, सोने दो उनको, सोने दो, कोई बात नहीं अगर आप सो रहे हैं यहाँ पर। बाकी रैन बसेरा कालेआम के चौराहे पर है, आप वहाँ आराम से सो सकते हैं। हालांकि ये तीमारदार नहीं है मगर फिर भी मैं आपको दिखा दूं कि ये बुलंदशहर जिला अस्पताल का जो रैन बसेरा है, वो रैन बसेरा हमेशा इस तरह से लॉक लगा रहता है। अब से पहले भी हमने
पिछली सर्दियों में इसी तरह से कवरेज की थी, उस दौरान भी ये रैन बसेरा इसी तरह से बंद मिला था। कोई बात नहीं, अपना बिस्तर जो है वो आप उठा लीजिए, हम आपको रैन बसेरे लेके चलते हैं। रैन बसेरे में आपको आराम से पूरी रात गुजर जाएगी, ठीक है, इन्हें लेकर चलते हैं रैन बसेरे की ओर। चलिए खैर, जिला अस्पताल का तो जो रैन बसेरा था वो बंद है, मगर फ़िलहाल जो दो लोग मुसाफिर हैं और इन भैया की तो चोट भी लगी हुई है। सर फटा हुआ है। हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ है हमारा साहब, वहाँ क्या नाम, वहाँ चोट बहुत ज्यादा लग गई। रात भर अगर वहाँ रहते एक कंबल में दिक्कत होती ना। हाँ, अब तो आराम से सो जाओगे यहाँ पे। हाँ, सो जाए। चलिए लेटिए, लेट जाओ, अब आप आराम से लेटिए यहाँ पर, अपना बिस्तर संभालिए। चलिए खैर, फिलहाल जो दो लोग, चोट काफी ज्यादा लगी हुई थी और ठंड में ही आ सकते थे, फिलहाल तो इनका इंतजाम हो चुका है। चलिए ठीक है, चलिए आराम कीजिए, अब ठीक है, चलिए।